साधु वाल्मीकि बनने की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन वो पुराने वक्त की बात थी। आजकल आज भी ऐसा ही हुआ है, तिब्बत में भी ऐसा हुआ है, जहां पर एक दुर्दांत डाकू पंचम सिंह अब साधु पंचम सिंह बन गया है और कैदियों को जीने की राह से खा रहा है। तो एक डाकू जो कि अपने समय में काफी दुर्दांत डाकू माना जाता था, नाम से लोग कापा करते थे। डाकू पर 100 से ज्यादा हत्या और कई करोड़ की लूट के दर्जनों मामले दर्ज थे, लेकिन वो डाकू अब साधु बन गया है। हालांकि अपने जुर्म के लिए डाकू को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसके अच्छे बर्ताव को देखते हुए सजा कम की गई और अब ये डाकू साधु बन चुका है, कैदियों को जीने के नए नए तरीके सिखा रहा है। जगतों पर बनी हिंदी फिल्मों की कहानी की बजाय हम आपको आतंक के पर्याय रहे एक ऐसे डाकू के जीवन में आए बदलाव का मामला बता रहे हैं, जो पिछले 28 साल से राज्यों में बनकर जेल में कैदियों को नई राह दिखाकर उन्हें अपराध की दुनिया से दूर रखने का काम कर रहा है। बुधवार को दमोह के जनरल शंकर स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम पहुंचे 80 साल के पंचम सिंह ने जिला जेल में कैदियों के बीच दिए गए व्याख्यान में लगभग सभी कैदियों को एक नई पुनः देकर जीवन की नई राह दिखाई। जिला जेल में मीडिया को जाने की अनुमति नहीं थी, लिहाजा हम अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे, लेकिन राजीव भी किस तरह से अपने पुराने जीवन का प्रायश्चित कर लोगों के मन से बदले की भावना निकाल रहे हैं, ये बात हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। शर्तों को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वीकार कर लिया। उन शर्तों के आधार पर हम 550 डाकू ने सन 1972 में समर्पण किया था। मेरे ऊपर तो मर्डर के आरोप थे, वो से पकड़ डकैती थी, मुझे फांसी की सजा हुई थी। उसके बाद थोड़ी जेल में रखा, वहीं पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की बहन भाइयों ने 3 वर्ष तक हम लोगों के बीच में जो है राज्यों की शिक्षा दी। इस राज्यों की शिक्षाओं से हम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। गांव में पंचायत चुनाव के दौरान हुई पार्टीबंदी के बाद मारपीट की घटना की शिकार पंचम सिंह ने जब पुलिस थाने में रिपोर्ट की तो न्याय नहीं मिला। बंदूक उठाकर चंबल के बिहड़ों का रुख कर लिया। डाकुओं को गिरोह में शामिल होकर 15 डाकुओं के साथ खुद पर अत्याचार करने वालों की हत्या करके बदला लिया और 70 के दशक में आतंक के पर्याय बन बैठे। 1972 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अपील पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समक्ष 550 डकैतों को गिरोह के साथ आत्मसमर्पण करने वाले पंचम सिंह के गिरोह पर सरकार ने 2 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा था। पंचम सिंह का 8 साल का जीवन जेल में बीता, उसी दौरान पंचम सिंह का सब कुछ बदल गया। साथ ही पंचम सिंह के ऊपर विश्व कल्याण की भावना का ऐसा असर हुआ कि खुद राजयोगी बनकर लोगों के मन से बदले की भावना को समाप्त करने के मिशन पर निकल पड़े। जाहिर है पंचम सिंह के इस कदम से कैदियों को सीख जरूर मिलेगी। अटल राजेंद्र जैन, साधन न्यूज, दमोह। खूंखार डाकू से साधु बना ये पंचम सिंह जब जेल जेल में जाकर कैदियों को प्रवचन देता है और उन्हें अपराध का रास्ता छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इससे पहले हमने भी आपको बताया था कि तरह से बिलासपुर में जाकर पंचम सिंह ने जेल में प्रवचन दिया था और वहां के कैदियों का हृदय परिवर्तन करने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। और उसके बाद पंचम सिंह पहुंचे हैं दमोह की जिला जेल, जहां पर कैदियों से न सिर्फ मुलाकात करी है बल्कि उनको जीने का नया तरीका सिखाया है और उनको इस चीज के लिए प्रेरित किया है कि वो अपराध का मार्ग छोड़कर सीधे रास्ते पर वापस लौटा। और जहां तक पंचम सिंह की बात की जाए तो अपने समय के दुर्दांत और खूंखार डाकू के तौर पर इन्हें जाना जाता था। आसपास के इलाकों के लोग इनके नाम से कापा करते थे। 100 से ज्यादा हत्याओं का मुकदमा पंचम सिंह पर दर्ज है। यह है कल का खूंखार डाकू पंचम सिंह। इसके एक दहाड़ से पूरा बीहर कांप उठता था। सैकड़ों की तादाद में डाकू इसके गिरोह में शामिल थे। जहां भी ये जाता खून से तलवारें लाल होकर ही लौटती। बंदूकों की गोलियां ऐसी दागी जाती मानो दिवाली के पटाखे हो। पूरे चंबल में इसका आतंक था। बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक पंचम सिंह का कितना खौफ था इस बात से अंदाजा लग जाता है कि मां फिल्मी डायलॉग की तरह बच्चों को सुलाने के लिए
पंचम सिंह के नाम का इस्तेमाल किया करती थी। 14 साल तक चंबल घाटी के पेड़ों में रहकर आतंक मचाए रखा इस खूंखार डाकू ने। इसके आतंक से आजित आ चुकी पुलिस ने पंचम सिंह और इसके 550 साथियों पर 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। पंचम सिंह कितना खूंखार डाकू था ये बताने के लिए ये आंकड़े काफी। पंचम सिंह ने 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा तो वही 200 से ज्यादा डकैतियों को भी अंजाम दिया। पंचम सिंह की इस क्रूरता के लिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 80 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के निवेदन पर इसके फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया और आज यही कल का खूंखार डाकू बन चुका है सन्यासी। कल तक बदले की आग में जलने वाले पंचम सिंह आज जेल में बंद कैदियों के मन में जलने वाली बदले की आग को अपने मधुर वचनों से ठंडा कर रहे हैं और जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने की प्रेरणा दे रहे हैं। 80 साल के पंचम सिंह बुधवार को दमोह के जटाशंकर स्थित प्रजापिता ब्रह्मकुमारी आश्रम में पहुंचे। यहां से उस जिला जेल में कैदियों के बीच गए और वहां व्याख्यान दिया, जिस व्याख्यान के बाद लगभग सभी कैदियों को एक नई प्रेरणा देकर जीवन की नई राह दिखाई। 1980 में गुना के मुंगावली जेल से रिहा होने के बाद पंचम सिंह माउंट आबू चले गए और वहां उन पर विश्व कल्याण की भावना का एहसास हुआ कि वे खुद राजयोगी बनकर लोगों के मन से बदले की भावना को खत्म करने के मिशन पर निकल पड़े। अटल राजेंद्र जैन, साधना न्यूज, दमोह। हम ये खुद पंचम सिंह के जमाने सुनते हैं कि कैसे वो डाकू से संत बने, कैसे इतना बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आया। परिवार साहब को लाइन मौजूद है। पंचम सिंह जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, लंबे वक्त तक बीड़ों पर आपने राज किया और डाकू से संत बनने तक कैसे कैसे अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन हुआ? हमने 550 सर्व समर्पण किया जी। समर्पण करने के बाद हमको खुली जीवन में रखा जी। वहाँ पर ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की जेल वालों ने शासन से अनुमति लेकर 3 वर्ष तक हम लोगों को वहाँ राजयोग की शिक्षा दी। इसी राजयोग के द्वारा ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की शिक्षाओं के द्वारा हम 550 डाकुओं के विचारों में परिवर्तन आया। तो सरकार ने हमको 8 वर्ष में ही तोड़ दिया था जी। पंचम सिंह जी, अपराध आज भी बहुत है और शायद तब की तुलना में आज बहुत ज्यादा अपराध बढ़ चुका है, अपराधियों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आज के अपराधियों से आप क्या अपील करते हैं? जेल जेल जाते हैं आप, उन्हें प्रवचन देते हैं, क्या सिखाते हैं? हमारा विश्वविद्यालय सारे विश्व में कार्य कर रहा है, लोगों के विचारों में परिवर्तन हो जाता है, समय से आगे जो आने की है वो भी समाप्त हो रही है, जो मना और मना है उसको तो कोई नहीं रख पाएगा जी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो पंचम सिंह हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि वो उनकी गलती थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उस मार्ग को छोड़ दिया, आत्मसमर्पण कर दिया था। पंचम सिंह ने उस वक्त जब उनके सर पर 2 करोड़ का इनाम था, 100 से ज्यादा हत्याएं पंचम सिंह कर चुके थे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक और कल का डाकू पंचम सिंह, बीते कल का डाकू जिस पर 2 करोड़ का इनाम था, खौफ का पर्याय था, लेकिन अब यही डाकू आज के वक्त में साधु सन्यासी बन गया है। स्पेशल में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।